हेलो स्टूडेंट्स, चलिए टी रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के जो फॉर्मूला है मैं उनको आपको एक एक करके बता दूं। इस वीडियो को आप जरूर देखें पूरा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको जितने की ये फॉर्मूला हैं वो सारे के सारे आपको इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में मैं आपको याद करा दूंगा। मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ एक एक करके। बस 5 से 6 फॉर्मूला मैं आपको इसमें बता रहा हूँ और इससे जो है आप पूरी तरह जो है फॉर्मूला से आप अवगत हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं जिसके आधार पर आप बना सकते हैं। तो हम लोग लेकर चलेंगे सिंपली 1। फर्स्ट जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और देखते हैं कि कौन कौन ऐसे हैं जिसमें 1 होते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है 1। 3 में बात करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 4 में चलेंगे हम लोग साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। 5th में हम लोग चलेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। 6th में हम लोग चलेंगे यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इतना फार्मूला हमने लिख लिया। अब इसी पर हम लोग फार्मूला डेराइव करेंगे और हम लोग सबको याद करेंगे। इसी से हम लोग फार्मूला को जो है सब डेराइव करने जाएंगे। तो देखिए इसी से जो फार्मूला डेराइव होगा वो आप जान लीजिए क्या होगा। आप देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब आप एल्जेब्राइक यदि एक्सप्रेशन आप जानते हैं तो आप ट्रांसपोजिशन यदि इसमें कर देंगे तो आपको फॉर्मूला निकल जाएगा। आपको यहां पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप देख रहे हैं 1। इसको यदि इधर ले आएंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा कौन बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला बन गया आपको। सिमिलरली यदि आप कॉस स्क्वायर को ले आएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे 2 बन गया। इस पर यदि देखेंगे आप तो देख रहे हैं सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर, ये यदि इधर चला आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो दैट इज हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब यदि ये टेन स्क्वायर को आप इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। आप ट्रांसपोजिशन करेंगे टेन स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह यदि आप इसको देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा चूंकि इधर माइनस है ये इधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब इसकी बात करें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यहां पर यदि बात करेंगे सिमिलरली एकदम सेम वे में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 देन इट इज कॉट स्क्वायर थीटा, इसी से बनाना है, इसी से डिराइव करना है। यहां पर देख रहे हैं इक्वल टू 1 है, दो प्रोडक्ट के रूप में है, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1 देन एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई। सिंपली यहां पर हो जाएगा साइन थीटा, यदि आप रखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा एंड वाइस वर्सा बोल सकते हैं, या कोसेक थीटा यदि आप यहां लिखते हैं कोसेक थीटा इज 1 बाई साइन थीटा, यहां पर से ये फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे आप। सिमिलरली यहां पर बात करेंगे तो आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और यदि यहां पर आप रखेंगे सेक थीटा देन इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा रेसिप्रोकल। इसकी बात करेंगे तो आप यदि टेन थीटा रखेंगे तो 1 बाई कॉट थीटा, और यदि आप कॉट थीटा रखते हैं दैट इज 1 बाई टेन थीटा। और इन सबों में सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है वो होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट में है। और यदि इसको कॉट कर दिया जाए तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इतना फॉर्मूला यदि आप याद रखते हैं आप विश्वास मानिए आपको पूरे लाइफ में ट्रिगोनोमेट्री का मैक्सिमम 99% फॉर्मूला जो इसमें यूज होता है और जित प्रूव करने वाला होता है बहुत इजी वे में और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आप बना सकते हैं। तो इसको आप पूरा रट लेंगे।
मैं एक एक करके आपको पूरा और क्वेश्चन को बहुत इजी वे में बताऊंगा, आपको बिना वैल्यू पुट करे आप बहुत ज्यादा से ज्यादा उस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा लगा हो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा भेजेंगे, शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे, लाइक भी करेंगे। थैंक यू सो मच।